हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मौली, मौली इंडियन ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दोपहर का 2 बज चुका है। आज अभी से मैं मेरे दोपहर से मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज सुबह से बहुत बिजी था, सारा काम हो चुका है। अभी 2 बजा है, आप लोगों को तो पता ही है। और आज ना मुझे बहुत कम करना पड़ा क्योंकि मेरी माँ आ रही है आज। सारे जो प्याज लहसुन से टच किया हुआ चीज़ है वो नहीं खाएगी आज से। पूरा भेज चलेगा, जो निरामिष बोलते हैं वो चलेगा, क्योंकि पूजा है संडे को। तो आज से ही, आज दोपहर से मुझे एक खाना पड़ेगा। फिर भी एक एक करी है, अंडा का सब्जी है, वो मैं खाऊंगी। फिर उसको सारे फ्रीज वगैरह सारे को क्लीन करना सिर्फ बाकी है, और ओवन को क्लीन करना बाकी है। टोटल क्लियर हो चुका है पानी का जगह वगैरह। और मैंने ना मुँह देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो गया, क्योंकि मैं गई थी बाज़ार। पूजा का जो दर्शन वर्मा बोलते हैं उसका जितना भी चीज़ है सारे मैंने मार्केट कर लिया। और जितना ग्रॉसरी है, मतलब चावल आटा वगैरह जो भी लगेगा उस दिन के लिए, पूजा के दिन के लिए, मेरा घर का महीने के चलाने के लिए, सारा कुछ मैंने लेके आ गई। चलिए अभी सारे जो बाजार लेके आई थी वैसे ही रख दिया है, उन सबको सॉर्ट आउट कर लो। चलिए अब पूजा कहाँ करूँगी वो आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। तो चलिए जल्दी जल्दी से सारे कुछ को सॉर्ट आउट कर लो। अभी बहुत भूख लग चुका है और रुई उसके दादा दादी के पास खाना खा रही है और मैं इधर अकेला अकेला खाना खा रही हूँ। चलिए दिखाती हूँ आज का मेनू। और मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी माँ सुबह से अभी तक कुछ भी नहीं खाया, और अभी बजा हुआ 2, बहुत लो फील हो रहा है मुझे। और मेरी माँ ना उधर से निकल चुके हैं घर से, स्टीमर में है अभी, अभी बस पकड़ेगा। उसके बाद जो हम लोगों को दूसरी बार बस पकड़ना पड़ता है, तब से मेरे मम्मी को पता नहीं कैसे आना होता है, तो मुझे मम्मी को लेने के लिए भी जाना है। तो चलिए फटाफट खाना खा लो, खाना खाने के बाद ड्रेस मेस पहन के मम्मी को लेने के लिए जाऊंगी। मम्मी को अभी 2 घंटा लगेगा बस में आने के लिए। उसकी मम्मी आधा रास्ता आ जाए, मतलब 1.5 घंटा में आ जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो मेरा दुबिया से इधर आने में आधा घंटा मैक्सिमम लगता है। तो जब मैं, मेरी माँ बामनपुर बोल के एक जगह है, तब तक आ जाएगी। उसके बाद मैं घर से निकलने के लिए कपड़े वपड़े पहनना जस्ट स्टार्ट करूँगी। तो चलिए आप लोग आज खाना दिखा देती हूँ, लंच का मेनू क्या क्या है वो दिखा देती हूँ। तो लंच के लिए इधर है, मैंने प्रेशर कुकर में भात बनाया है, चावल बनाया है। ये है चावल, ये है कल का एग करी, और परवल से, प्रॉन से, आलू से कड़ी, और घर का डाटा का एक सब्जी। ये दोनों ना मेरे सासू माँ ने दिया है और ये मेरा है। चलिए फटाफट से खाना खा लेते हो, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके मम्मी को लेने के लिए जाऊंगी। वो वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और कल हो कल क्या क्या खरीद लूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
तो अभी देखिए मैं जा रही हूँ, मैं और रुई जा रही हूँ मेरी माँ को लेने, और शायद मैं काली पूजा का म्यूज़िक चल रहा है इसलिए मैंने कोई मतलब बात नहीं की आप लोगों के साथ। तो अभी चलिए, माँ तो ऑलरेडी धुबुला में आके खड़े है, बहुत गुस्सा है, तो चलिए जब फटाफट जाके मम्मी को लेके आती हूँ। और ये देखिए लीची का बागान पूरा लाल लाल करके, सारे लीची का बागान है लीचू, और कितना सारा है देखिए, इस बार लीची का बहुत लीची हुआ है। तो चलिए फटाफट चलती हूँ और जाके माँ को लेके आती हूँ। और अभी थोड़ा थोड़ा बादल भी गरज रहा है, पता नहीं बारिश होगा या नहीं। तो चलिए फटाफट चलती हूँ, चल के माँ को लेके आती हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम है, बहुत सारा वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। और ये देखिए आ गई मेरी माँ, और रूही को कुछ खरीद के दे रही है मेरी माँ, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। और अभी देखिए जाते टाइम कितना बादल है, और ये ना जब मैं एडिट कर रही हूँ तब ये दो दिन हो चुका है, मतलब ये शुक्रवार का वीडियो, बहुत मतलब बादल गरजा था, हम लोग पूरा खड़े थे बैटरी रिक्शा में, पूरा मैं भीग गई थी, नहा गई थी। तो चलिए घर चलते हैं अभी। तो देखिए आ गए हम लोग घर, और रूही अभी सिंगल टिप से उसके दादी के पास रिबन करवाने के लिए जिद कर रहा है, मतलब उसका दादी भी सजाने के लिए बहुत उत्सुक है और वो भी सजने के लिए बहुत उत्सुक है। उसका दादी जो दादी है ठाकुमा, उसका तो कोई लड़की नहीं है, दोनों ही लड़का है, उसके पापा और उसका काका, तो इसीलिए उसको कोई लड़की नहीं है। रूही और उसका छोटू बहन को सजा सजा के अपनी शौक पूरा कर रहा है। देखिए अभी रूही को सजाएगी, और इधर में चेयर पे बैठी हुई है मेरी माँ, और सारे मिलके बातें कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है बाहर पे, शायद पूजा के दिन में बारिश ना हो यही बोल रही हूँ, और पूजा के दिन के लिए ही मेरी माँ आई हुई है। और अभी रुई को देखिए कुछ डिजाइन विजन कर देगा मेरा सासू माँ। तो चलिए ऐसे के साथ ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और आप लोग देखते रहिए। तो अभी ना रुई को मैं थोड़ा पढ़ाई करा रही हूँ, नहीं तो वो दो दिन तो ऐसे ही छुट्टी रहेगा पूजा के कारण। तो अभी फटाफट से उसको पूरा होमवर्क कंप्लीट करवा दूँ, और उसका जो भी है मतलब पढ़ाई है पढ़ाई करा दूँ, नहीं तो दो दिन तो ऐसे ही छुट्टी रह जाएगा उसका। तो अभी उसको पढ़ाई करा दूँ, उसके बाद खाना खा के फटाफट सो जाऊँगी, और मेरे माँ तो आते ही सो गई है। देखिए अभी मैं भी पढ़ाई करा रही हूँ उनको। तो बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा था तब, अभी बारिश रुक चुका है, और अभी रात का 9 बज चुका है, और मेरे रुई भी सो चुकी है, उठा के खाना खिलाना पड़ेगा, अभी के टीचर आज भी नहीं आई। तो देखिए अभी खाना बन रहा है, इधर बना है राइस और इधर बन रहा है परवल का फ्राई, आप देख सकते हो। तो ये है आज रात का खाना, और आज से पूरा प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाया जाएगा, इससे पूरा भेज खाना पड़ेगा, प्याज लहसुन भी अलाउड नहीं है। आज है शुक्रवार, शुक्र शनि रवि, हर दिन निरामिष खाना पड़ेगा, मतलब भेज खाना पड़ेगा बिना प्याज लहसुन के। मेरा जो ए वाला सेल्फ का जो सारा मसाला है सारा कैंसिल है। अभी देखिए मैंने सारा मसाला अलग अलग से, इसमें है सरसों का तेल, वो वाला तेल अभी यूज़ नहीं होगा। और इधर देखिए ढक्कन लगा दिया है, इधर हल्दी और नमक, कल इसमें जीरा, इसमें खाली में कल जीरा भी आ जाएगा, जीरा पाउडर। तेरा निरामिष पूरा जैसे ढक के रख रही हूँ, जीरा बीरा नहीं गिरा इसीलिए। और आज भी ना मैंने किचन का थोड़ा लुक चेंज किया, इधर इधर से सारा कुछ हटा के इधर इधर रख दिया, क्योंकि वो वाला चेयर इधर चला रहा है भगवान को बिठाने के लिए। इधर हो रही है परवल फ्राई, मेरे मम्मी ने बोला है ऐसे खाना। तो चलिए आज का ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहीं तक रखती हूँ। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय, हैव अ स्वीट डे, गुड नाइट।